चलिए, ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताया गया था पिछले क्लास में ही, आपको बताए थे ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, यानी ये हो गया रक्त समूह। तो रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं? तो एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप। पहले ध्यान से सुनिएगा, अभी आप लोग लिखेंगे नहीं कुछ भी, बाद में भले वीडियो को जाके देख लेंगे, क्योंकि लाइट जाने का संभावना कभी भी हो सकता है, इसीलिए पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? अच्छा, आप सुनिए, भले बाद में देख लीजिएगा क्योंकि कब लाइट चल जाए, और धीरे धीरे लिखने के चक्कर में इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए आप सुनिए। ब्लड ग्रुप जो है, रक्त समूह दो तरह का होता है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ रक्त समूह जो होता है, इसको हम लोग एबीओ रक्त समूह कहते हैं, और उसको आरएच रक्त समूह कहते हैं। एबीओ रक्त समूह और दूसरा क्या होता है, आरएच रक्त समूह। अब देखेंगे ये एबीओ रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताया गया था। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड एस्टीनर। कार्ल लैंड एस्टीनर, क्या नाम है इनका, कार्ल, कार्ल लैंड एस्टीनर। तो कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा सबसे पहले एबीओ रक्त समूह का खोज हुआ था, और आरएच रक्त समूह का खोज, इसका डिस्कवरी कौन किए थे? डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, यानी कि आरएच ब्लड ग्रुप का खोज एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर वीनर के द्वारा, एलेक्जेंडर वीनर, एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर वीनर के द्वारा किसका खोज हुआ था, आरएच ब्लड ग्रुप की खोज। तो देखिए, ब्लड ग्रुप दो तरह के होते हैं, रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं, एबीओ रक्त समूह और आरएच रक्त समूह। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा किया गया था, और आरएच ब्लड ग्रुप की खोज जो है एलेक्जेंडर वीनर के द्वारा किया गया था। ये ब्लड ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब इससे हर साल एक नीट में क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक से दो क्वेश्चन सिर्फ ब्लड ग्रुप वाला एक टॉपिक से फिक्स रहता है। अब बोर्ड में भी प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है, तो एक क्वेश्चन आपका जो सॉल्व करने वाला होता है, जैसे कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो बच्चा क्या होगा, ये एक तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है, किसमें एंटीजन ऑब्सेंट होता है, किसमें एंटीबॉडी ऑब्सेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जितना पैटर्न है, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, या किसी भी मेडिकल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं होगा जो ये पढ़ने के बाद आपसे सॉल्व ना हो, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार का जो नीट का क्वेश्चन था 2024 वाला, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस अब ब्लड ग्रुप ऐसा टॉपिक है कि एक बार देखिए आपको सब याद हो जाएगा। हम लोग को यहाँ विशेष करके एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। सर, ये एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप क्या है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप में तो आप जानते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप में ये चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ए बी और ओ, चार प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ। और ये आरएच ब्लड ग्रुप में ये दो प्रकार का होता है, जैसे एक पॉजिटिव, आरएच निगेटिव, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट हो, वो आरएच पॉजिटिव में होता है। और एक है आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव का मतलब होता है जिसमें आरएच फैक्टर अब्सेंट हो, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता हो। तो ये फंडा जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ते हुइएगा, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, चाहे ए बी पॉजिटिव, चाहे ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ये जितना निगेटिव और पॉजिटिव देख रहे हैं वही है आरएच ग्रुप। अब बाकी ए बी, ए बी और ओ आप देख रहे हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। बात समझ में आया? अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम। अब ये पहला नंबर एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ये तो पता चल ही गया है कि एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी, पता चल गया है एबीओ रक्त समूह।
अच्छा, अब एबीओ रक्त समूह में हम लोग को देखना है एबीओ रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एकदम ध्यान से समझते चलिए, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, घर पे जाके सारा चीज यहीं पे याद हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है सर? एबीओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो एबीओ रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। यानी एबीओ, इसका हिंदी होता है एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एबीओ रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो सर एबीओ रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी। सी नहीं होता? ओ ओ, यानी ए बी ए बी और ओ, इस तरह से चार तरह के ब्लड ग्रुप हुए। यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होता है। अभी ना कि हमको लगा है कहीं आप लोग ए बी सी पकड़ लीजिएगा, 26 तक पहुंच जाइएगा, तो इसलिए एबीओ रक्त समूह चार प्रकार के होंगे, ए बी ए बी और ओ। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप जो होता है ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आई जीन, सॉरी, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, सॉरी, एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय आई जीन। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन, यानी एबीओ रक्त समूह एक गो तो है नहीं, चार गो है, आर कर दीजिए ज्यादा सुंदर लगेगा। तो एबीओ रक्त समूह किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? यानी एबीओ रक्त समूह आई जीन के द्वारा, आई जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। अच्छा एक बात और, हम कुछ एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल ये सब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं? मल्टीपल अलील का, बहुअलीलता का, यानी मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। अच्छा मोर देन वन ए हम लिखवा दिए थे, उसको टू कर लीजिएगा, यानी एक से अधिक को तो दो कहेंगे, अब बहु कहना है मैंने, यानी बहुत सारा मल्टीपल, मल्टीपल के लिए तो दो से भी अधिक ना होना चाहिए, तो यानी कि मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक के जगह पे टू खाली लगा लीजिएगा, वन के जगह पे टू, यानी मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड मल्टीपल अलील, यानी बहुअलीलता। बहुअलीलता का मतलब होता है जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित, दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसको बहुअलीलता कहते हैं। अब दो से अधिक, जैसे आई जीन दो से अधिक लक्षण को कैसे प्रदर्शित करता है, जरा एक मिनट के लिए बोर्ड पे समझेंगे। अब आई जीन हम क्या बोले हैं कि ब्लड ग्रुप को आई जीन के द्वारा नियंत्रित करते हैं, तो हम आई जीन के द्वारा अब देखना है कि किस प्रकार से ये दो से अधिक लक्षणों को, सॉरी, ये किस प्रकार से दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है आई जीन, तब ना उसको कहेंगे बहुअलीलता का उदाहरण है। यानी हम एबीओ ब्लड ग्रुप को मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल बोलते हैं। जेनेटिक्स में जो आप मल्टीपल अलील पढ़ते हैं, बहुअलीलता, यानी मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी जब एक जीन के दो से अधिक वैकल्पित रूप होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, तब उसको कहेंगे मल्टीपल एलील। तो यहाँ बताइए कि आई जीन किस प्रकार से मल्टीपल जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो सर एक अकेले आई जीन, जैसे आप देखे होइएगा आई ए आई ए, या फिर आई ए आई नॉट, या फिर इसी से आई बी, या फिर आई बी आई नॉट, या फिर आई ए और आई बी, या फिर आई नॉट आई नॉट। अब बताइए सब आई जीन है कि नहीं? सब में आई जीन है। एक अकेले आई जीन, इसका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप बी, इसका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप ए बी, और इसका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप ओ। ये सब आगे थोड़ा देर आगे हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ये सब क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप,
ये होता है फीनोटाइप। एबीओ ब्लड ग्रुप का फीनोटाइप हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुप का ये जीनोटाइप हो गया, और इसको नियंत्रित किया जाता है आई जीन के द्वारा। मतलब कि इसको हम लोग एक टेबल में डालते हैं, और पहले इसको इस बात को समझा जाए यहाँ क्या बोला जा रहा है। हम क्या बोले हैं कि जब एक जीन दो से अधिक वैकल्पित रूपों को प्रदर्शित करे, दो से अधिक यहाँ चार चार है, तो उसको मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल बोलते हैं, यानी उसको मल्टीपल अलील कहते हैं। तो मल्टीपल अलील में एबीओ ब्लड ग्रुप को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये अकेले जीन दो से अधिक वैकल्पित रूप को प्रदर्शित कर रहा है, यानी दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। एक अकेले आई जीन के द्वारा ब्लड ग्रुप ए को भी नियंत्रित होता है, बी ए बी और ओ चारों को। अगर पूछा जाए ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है तो क्या बोलिएगा? को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। कुछ याद आ रहा है? ए बी ब्लड ग्रुप अगर पूछेगा तो को डोमिनेंस सह प्रभाविता, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप अगर पूछेगा तो मल्टीपल। ये बात याद रखिएगा, खाली ए बी ब्लड ग्रुप ये किसका एग्जाम्पल है? ए बी ब्लड ग्रुप ये वाला, तो ये को डोमिनेंस सह प्रभाविता जो मेंडल का एक्सेप्शन था। अच्छा, तो एबीओ रक्त समूह आई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, और यहाँ हमने दिखा भी दिया कि किस प्रकार से आई जीन के द्वारा ये नियंत्रित होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हम लोग को देखना है एक तरफ में जैसे कि ब्लड ग्रुप लिखना है, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, दूसरे तरफ में हम लोग क्या लिखेंगे? एंटीजन, और उसके बाद एंटीबॉडी। क्या हुआ, जैसे कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, यह हो गया रक्त समूह, रक्त समूह एंटीजन, एंटीबॉडी। अच्छा, अब यहाँ देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे क्वेश्चन कई बार आता है। ब्लड ग्रुप जैसे चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अच्छा, इस टेबल को समझने के लिए थोड़े देर के लिए एक को दोस्त मानना है और दूसरे को दुश्मन। माना कि ये एंटीजेन, मतलब ये दोस्त है, एंटीबॉडी दुश्मन, एंटीबॉडी दुश्मन, एंटीजेन दोस्त, ये मानना है। अच्छा, ए का दोस्त, मतलब आपको दोस्त या दुश्मन कुछ भी बनाना है, या तो ए को बनाना है नहीं तो बी को बनाना है। आपका जो भी इसमें दोस्त मानना है चाहे दुश्मन मानना है, ए नहीं तो बी को मानना है। अब आपको देखना है ए में क्या दिख रहा है, ए में सर ए दिख रहा है, तो ए इसका क्या हो गया? दोस्त। अच्छा, ए में क्या नहीं दिख रहा है? बी नहीं दिख रहा है, तो बी इसका क्या हो गया? दुश्मन। अच्छा, बी में क्या दिख रहा है? बी, तो बी इसका दोस्त। बी में क्या नहीं दिख रहा है? ए, तो ए इसका दुश्मन, एंटीबॉडी। अच्छा, ए बी में क्या क्या दिख रहा है? ए और बी, यानी इसका दोस्त ए और बी होगा, तो दुश्मन, सॉरी इसमें दुश्मन तो कोई नहीं होगा क्योंकि दोस्ती भी करना है तो ए और बी से, नहीं तो दुश्मनी भी ए और बी से। तो जब दोनों दोस्त होगा तो दुश्मन कोई नहीं होगा, यानी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है कि बी दिख रहा है? सर पूछो, नहीं दिख रहा है, यानी दोस्त कोई नहीं होगा। अच्छा, तो जो नहीं दिख रहा है मतलब वो सब अब क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, यानी एंटीबॉडी हो जाएगा। बस इसी तरह से याद रखना है, ए का एंटीजन ए, ए का एंटीबॉडी बी, बी का एंटीजन बी, बी का एंटीबॉडी ए, ए बी का एंटीजन ए और बी, ए बी का एंटीबॉडी कोई नहीं, अब्सेंट होता है, और ओ का एंटीजन कोई नहीं, ओ का एंटीजन अब्सेंट होता है, तो एंटीबॉडी ए और बी होगा। बस इस तरह से आपको याद रखना है। याद हो गया सब लोग को? अच्छा, इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ए ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब सॉरी ऐसे ए बी ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं एंटीजन की एंटीबॉडी, एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी तो अब्सेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप में अब्सेंट होता है क्या? तो एंटीजन अब्सेंट होता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा ए बी एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, ए बी एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा,
तो ए और बी एंटीजन कौन सा ब्लड ग्रुप में पाया जा रहा है? ए बी में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसके आधार पे पूछा जाता है। ये हो गया ब्लड ग्रुप और उनके एंटीजन एंटीबॉडी, इसको आप लोग को याद रखना है। अच्छा, अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये पूछता है एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट इन, एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट इन, यानी इसका मतलब हुआ ए एंटीजन, सॉरी ए एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें? तो ए ब्लड ग्रुप में, यानी ए रक्त समूह में, या बी ब्लड ग्रुप में, यानी बी रक्त समूह में, हिंदी हम बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप में, यानी ए बी रक्त समूह में, और लास्ट में डी नंबर में क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि ओ रक्त समूह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है एंटीबॉडी ए, तो एंटीबॉडी ए, तो ए का एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी बी होता है, अब बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए होता है। तो पूछा गया है एंटीबॉडी ए, तो बी ब्लड ग्रुप में, समझ में आया क्या? तो बस इस तरह का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो बन जाएगा आप लोगों से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी एंटीबॉडी ए, इसका हिंदी हो जाएगा ए एंटीबॉडी उपस्थित होता है तो किसमें होगा? तो इस तरह से बी ब्लड ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसे। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से जो भी क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा एंटीबॉडी ए एंड बी आर प्रेजेंट इन, यानी ए और बी एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है? ए और बी एंटीबॉडी किसमें होगा? तो ओ ब्लड ग्रुप में होगा। एंटीजन ए और बी किसमें होगा? तो ए बी ब्लड ग्रुप में होगा। एंटीजन ए और बी ए बी में होगा। तो ये सब आपको टेबल याद कर लेना है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ अलील इन इन एबीओ ब्लड ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ अलील इन इन एबीओ ब्लड ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ अलील इन एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, यानी इसका मतलब हुआ मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में, मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में कुल कुल अलील की संख्या, ठीक है, बराबर 3। मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में कुल अलील की संख्या, मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में कुल अलील की संख्या कितना होगा जी? तो मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में कुल अलील की संख्या 3 होगा, याद रखिएगा अलील का संख्या 3। तो एक और एक फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड, किसका इतना मैसेज बज रहा है जी? उसको साइलेंट कर लीजिए बाबू, किसका बज रहा है इतना? खाली मैसेज आ रहा है, तो पढ़ने आते हैं कि मैसेज का कारखाना खोले हुए हैं? उसको बंद कर लीजिए बाबू, आप बंद कर लीजिए, रात भर तो मैसेज आता होगा, दिनों में मैसेज आएगा, लिख पाइएगा, इसीलिए इतना कमजोर हो गए हैं आप। लिखिए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप, मैसेज के कारण आदमी कमजोर हो जाएगा भाई, इतना मैसेज सुनेगा तो। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करें? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप की संख्या, ये आ रहा है जीनोटाइप की संख्या।
कैसे निकालें, यानी कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो याद रखेंगे इस बात को, फॉर्मूला यही है, जीनोटाइप की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। इसके लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप, देखिए बाबू नंबर ऑफ जीनोटाइप जब भी निकालना होगा, यानी जीनोटाइप की संख्या, पहले समझिए बाद में लिखेंगे, छोड़ दीजिए अभी मत लिखिए, पहले समझिए बाबू जीनोटाइप की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर n इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला है। मतलब कि अगर जीनोटाइप आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अच्छा सर कल तो आप बताए थे हम लोग को जीनोटाइप ज्ञात करने का, पिछले क्लास में फॉर्मूला आप बताए हुए थे जीनोटाइप का ज्ञात करने का फॉर्मूला 3 का पावर n, तो आज दूसरा फॉर्मूला कैसे हो गया? तो वहां 3 के पावर n में n बराबर क्या था, हेटेरोजाइगस पेयर यानी विषम युग्मक जोड़े की संख्या, यहां क्या है n बराबर नंबर ऑफ अलील यानी अलील की संख्या। बात समझ में आया, नंबर ऑफ अलील यानी कि अलील की संख्या, तो यहां n बराबर अलील की संख्या, n बराबर अलील की संख्या। मान लीजिए कलयुग में जिस बच्चा के पास मोबाइल नहीं है उससे बड़ा संस्कारी हो ही कौन सकता है। चलिए अच्छा, तो ये ऊपर वाला पॉइंट देखे, टोटल नंबर ऑफ अलील इन एबीओ ब्लड ग्रुप, तो याद रखेंगे मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में कुल अलील का संख्या 3 होता है। अच्छा तो अब हम जीनोटाइप की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप यानी जीनोटाइप को निकालने का फॉर्मूला होता है, जीनोटाइप की संख्या को निकालने का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, जहां n बराबर नंबर ऑफ अलील यानी कि n बराबर अलील की संख्या, n बराबर नंबर ऑफ अलील यानी कि अलील की संख्या। अच्छा अब आपको ज्ञात करना है, जैसे अब आपको अलील की संख्या दे दिया गया है 3 है, अब जीनोटाइप ज्ञात करिए कि कितने जीनोटाइप होते हैं। तो मनुष्य में जीनोटाइप का संख्या कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप बराबर एन, फॉर्मूला तो लगाइएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, पहले फॉर्मूला लगाएंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब नंबर ऑफ जीनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी इसका मतलब हो जाएगा एबीओ रक्त समूह में, एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या, ठीक है, एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या, तो एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या कैसे निकालते हैं सर, 3 × 3 + 1/2 बराबर 6, 6 हो जाएगा, यानी 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा इसे तो 6 हो गया, हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ रक्त समूह में कुल जीनोटाइप का संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फॉर्मूला से निकाले हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू के फॉर्मूला से 6 हुआ। अब आपको देखना है कि आखिर ये जीनोटाइप कौन कौन 6 गो होते हैं, क्योंकि जीनोटाइप का तो संख्या पता चल गया 6 होगा, लेकिन ये 6 जीनोटाइप कौन कौन होते हैं। तो अब याद रखेंगे अगर अलील का संख्या दिया हो, जैसे कि अलील का संख्या मान लीजिए दिया हो, और अगर आपसे रैबिट के कोट कलर में भी अलील का संख्या 4 होता है, तो अगर पूछा जाए अलील उसमें जीनोटाइप की संख्या निकालिए, तो 4 × 4 + 1/2 निकल जाएगा, तो 4×5 = 20/2 यानी 10 हो जाएगा, समझ में आया। हाँ तो इस तरह से यानी कि याद रखेंगे खरगोश के चमड़ी के रंग में अलील का संख्या कितना होता है, 10 होता है, सॉरी 4 होता है, अलील का संख्या 4 होता है, जीनोटाइप उसमें 10 हो जाता है। उसी तरह मनुष्य के एबीओ ब्लड ग्रुप में अलील का संख्या 3 होता है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे,
एलील आपको तीन को बताया है ना जी, कौन कौन, आइए जाइए, यानी आइए, आई बी और आई नॉट, तीन गो ये आपका अलील का संख्या। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, इस अलील में आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट कैरेक्टर, आर डोमिनेंट डोमिनेंट, एंड आई नॉट इज रिसेसिव। मतलब आपको पता चल गया एबीओ ब्लड ग्रुप में अलील का संख्या तीन गो है, एक आई ए है, एक आई बी है और एक आई नॉट है, तीन गो अलील का संख्या है। तो अलील का संख्या अगर तीन हो, अलील का संख्या अगर तीन हो तो जीनोटाइप का संख्या हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी छः होगा। अच्छा अब इस अलील में आई ए और आई बी जो होता है, आई ए और आई बी ये डोमिनेंट होता है यानी कि प्रभावी होता है, और आई नॉट जो होता है ये रिसेसिव होता है, ठीक है। यानी याद रखेंगे आई ए और आई बी प्रभावी तथा, आई ए और आई बी प्रभावी तथा आई नॉट अप्रभावी होते हैं, ठीक है, अप्रभावी होते हैं। तो ये हो गया आपका अलील का। अच्छा अब एक चीज और देखिएगा, एक तरफ में हम लोग फिर से लिखते हैं बाबू ब्लड ग्रुप, यानी कि अब हम लोग को देखना है रक्त समूह, एक तरफ में लिखेंगे रक्त समूह। अच्छा इन रक्त समूह का जीनोटाइप अब हम लोग को देखना है कि छह गो कौन कौन है। कभी तो हम आपको निकाल के बताए थे जीनोटाइप कितना होता है, छह गो होता है, सिक्स होता है, लेकिन ये सिक्स जीनोटाइप कौन कौन है। जीनोटाइप को ही हम लोग जीनी प्रारूप कहते हैं, अच्छा इसी को आप जीनोटाइप भी बोलते हैं, जीनोटाइप। तो जैसे मान लीजिए रक्त समूह हमारे पास में कौन कौन सा है, ए बी, ए बी और ओ, ए बी, ए बी और ओ, चार तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप है। ध्यान से देखिएगा ब्लड ग्रुप कितना है हमारे पास, चार। सर टोटल हमारे पास में चार ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी और ओ। अच्छा ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है आई ए आई नॉट, सॉरी आई ए आई ए या आई ए आई नॉट, दो गो जीनोटाइप इसका होता है ए ब्लड ग्रुप का। बी ब्लड ग्रुप का फिर कैसे होगा, सेम वैसे ही हो जाएगा, आई बी आई बी या आई बी आई नॉट। ए बी ब्लड ग्रुप का होता है आई ए और आई बी, और ओ ब्लड ग्रुप का होता है आई नॉट और आई नॉट। इस तरह से ये इसका जीनोटाइप टोटल हो गया। जीनोटाइप को काउंटिंग करेंगे दो दो चार और दो छः, यानी टोटल सिक्स जीनोटाइप होता है। तो इससे क्या पता चला कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप, यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुप में टोटल छः जीनोटाइप होते हैं, और जीनोटाइप कौन कौन है पूरा आपको बता ही दिया गया। अच्छा यहाँ भी आप अब देख लिए कि अच्छा जितना भी ब्लड ग्रुप है सबको आई से डिनोट किया गया है, यानी सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है सबको, सर आई जीन नियंत्रित कर रहा है। तो एक अकेले जीन के द्वारा, एक सिंगल जीन के द्वारा कई लक्षण, दो से अधिक लक्षण प्रदर्शित जब हो रहे हैं तो इसका मतलब इसी को कहेंगे बहु अलीलता, यानी मल्टीपल अलील कहा जाएगा। बात समझ में आया, तो ये मल्टीपल अलील है। अब इसी के आधार पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ब्लड ग्रुप अगर ए बी, ए बी और ओ है तो उसका जीनोटाइप आपको याद हो गया, इधर देखियो इधर देखिए, चलिए हो गया। इलेवेंथ वाला आरएच ग्रुप निकाल के आप पढ़ रहे हैं ना, बाद में उसको पढ़िएगा। अब चलिए अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व क्या करना है,
चलिए अब सुनिएगा। अच्छा अब इसमें कुछ क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ, देखेंगे इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड मदर, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड मदर इज बी, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड मदर इज बी, देन फाइंड आउट द पॉसिबल, देन फाइंड आउट पॉसिबल, सॉरी जीनोटाइप नहीं ब्लड ग्रुप, अभी पॉसिबल ब्लड ग्रुप, देन फाइंड आउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। जानते हैं मेरा एक दोस्त था, हाँ अभी भी है, लेकिन अभी कहाँ है वो सुन लीजिए। मेरा भी एक दोस्त था, पता है वो बिना पूछे बार बार बैच में से निकलने की आदत थी, बार बार बैच में से निकल जा रहा था। बेचारे को कुछ किन्नर आए और उठा ले गए, अब उन्हीं के हवाले है। ठीक है देखेंगे, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड मदर इज बी देन फाइंड आउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, यानी कि इसका मतलब है यदि, हिंदी क्या हो जाएगा, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी हो, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी हो तो उनके बच्चे के संभावित रक्त समूह ज्ञात करें। ठीक है, हाँ मतलब इनके बच्चे के संभावित रक्त समूह ज्ञात करें। कौन कह रहा है जी ए बी, मतलब माता का ए या पिता का बी हो तो सीधे बच्चा का ए भी हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करना, ए भी नहीं होगा, गलत हो। देखिए यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा, मतलब बच्चे का संभावित रक्त समूह ज्ञात करना है। अब सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, बोले ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन हर साल आता है बाबू। इस साल भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन वहां पे ब्लड ग्रुप ना पूछ के वहां जीनो टाइप पूछ दिया था। ठीक है, तो और आसान हो गया, तो एकदम एक बार देखिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सुनिएगा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक तरफ में आपको फादर लिखना है और दूसरे तरफ में मदर लिख के उनके बीच क्रॉस कराना है। तो फादर और मदर के बीच क्रॉस नहीं, फादर के ब्लड ग्रुप और मदर के ब्लड ग्रुप के बीच क्रॉस कराएंगे तब उनके बच्चे के होने वाले ब्लड ग्रुप का पता चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ए दिया हुआ है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, बी दिया है। कहानी सुन लीजिए ये लोग से, इसके बाद बीच में मत निकलिएगा, अब ये कहानी बताएं, आप लोग बीच में निकल गए थे। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है जी, ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, तो उसके लिए अच्छा आप सुनिए, सबसे पहले बाबू एक मिनट देखिएगा, छोड़िए इधर देखिए, अच्छा इधर देखिए, अगल बगल से पूछ लीजिएगा, बता देगा लोग अथवा। देखिए फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो पहले ए के नीचे ए का जीनो टाइप लिखेंगे, ए का जीनो टाइप क्या होगा जी, सर आइए आइए, और एक और होता है ना आइए आई नॉट, बी का जीनो टाइप आई बी और आई बी आई नॉट। हम क्या बोले कि ब्लड ग्रुप में, चूंकि पहले सबसे पहले हम लोग को दोनों तरफ, एक तरफ में फादर का जीनोटाइप, दूसरे तरफ में मदर का जीनोटाइप लिख देंगे, फादर का जीनो, बड़ी आराम से कहानी सुन रहे हैं, बाद में सुन लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। तो ब्लड ग्रुप के नीचे उसका जीनोटाइप लिख देंगे, फादर के नीचे ब्लड ग्रुप लिखा उसका जीनोटाइप एक तरफ में, अब मदर के नीचे मदर का जीनोटाइप। अच्छा अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं,
ब्लड ग्रुप के बीच हमें क्रॉस करा देना है। पहला वाला का क्रॉस पहले वाले के साथ, ध्यान में रखिएगा, ये पहले का क्रॉस इस पहले वाले के साथ कराएंगे, और उसके बाद इस दूसरे का क्रॉस इस दूसरे वाले के साथ करा देंगे। अच्छा, अब इसमें क्रॉस कैसे लिखा जाएगा? देखिए क्रॉस इसका कैसे तैयार करिएगा, एक तरफ में आप लिखेंगे आईए आईए, इसका क्रॉस आईबी आईबी के साथ, और दूसरा वाला क्रॉस कैसे तैयार करेंगे, दूसरे तरफ में हो जाएगा सर आईए आई नॉट का क्रॉस आईबी आई नॉट के साथ करा देंगे। बस यही क्रॉस आपको करा देना है। ब्लड ग्रुप का क्रॉस जैसे कराइएगा तुरंत उनके होने वाले बच्चों के ब्लड ग्रुप का पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें कैसे करिएगा, अब इसका क्रॉस मिलाने तो आता है, पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर देखिए दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, ऐसा क्रॉस मिलान करने आता है, पहले वाले का इस पहले वाले के साथ, फिर इस पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर पहले वाले का पहले वाले सॉरी दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, इस तरह से क्रॉस आपको करना है। ऊपर से आएगा क्या, आइए ऊपर से क्या आया जी, आइए। अच्छा, इस साइड से क्या आया, आई बी। अच्छा, इस साइड से फिर आइए, और ऊपर से क्या आएगा, आई बी। अच्छा, अब देखिए ऊपर से फिर क्या आएगा, आइए, और इस साइड से आई बी, फिर यहां से आइए, और ऊपर से आई बी। तो जैसे जैसे आप मिलान किए हैं बस उसको लिख देना है। अच्छा, आइए आई बी से कौन सा रिजल्टेंट निकलने वाला है, सर आईए और आईबी के कारण ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। ऊपर में देख लीजिएगा, ए बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप इससे प्राप्त हुआ, यानी ए बी रक्त समूह इससे ज्ञात होगा। अच्छा, अभी आपका दूसरा क्रॉस जो है बाकी है, अभी आप दूसरा क्रॉस नहीं किए, दूसरे साइड वाला, अब दूसरे साइड का क्रॉस करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर पहले वाले का पहले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, ऐसे तो हो जाएगा क्रॉस, फिर दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, बस। ऊपर से क्या आएगा बोलिए, आइए, इस साइड से क्या आएगा, आई बी, ऊपर से क्या आएगा, आइए, फिर इधर आई नॉट। अच्छा, यहाँ क्या आएगा जी, पहले आई बी लिखेंगे तब आई नॉट, पहले आई नॉट मत लिखिएगा क्योंकि आई नॉट अप्रभावी है, रिसेसिव है। अच्छा, तब उसके बाद हो जाएगा लास्ट में क्या, आई नॉट और आई नॉट। अच्छा, अब यहां से देखिएगा, आई ए और आई बी के कारण ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए और आई नॉट के कारण ए ब्लड ग्रुप, आई बी और आई नॉट के कारण बी ब्लड ग्रुप, आई नॉट के कारण ओ ब्लड ग्रुप, हो जाएगा। कौन चिल्ला रहा है जी, कौन पागल है क्या, चलिए हो गया। अच्छा, तो इस तरह से ये आपको अभी तक इधर पता चला था कि ए बी ब्लड ग्रुप, यहां से क्या पता चल रहा है, ए बी ए बी और ओ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की संभावना ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, यानी जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप मान जिस पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो उनके होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ, ये सभी तरह के संभावना जताए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कि देंगे लिखने का। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लेना है। अब इसमें जो है यानी फादर का ब्लड ग्रुप, देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब इसके बाद अगर आपको मिले, आपको बस क्या करना है, जब भी फादर का ब्लड ग्रुप दिया हो, मदर का ब्लड ग्रुप दिया हो, और बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालना हो, तो उसके लिए एक तरफ में फादर लिखते हैं, दूसरे तरफ में मदर को लिखते हैं, इन दोनों के बीच इनके नीचे इनका ब्लड ग्रुप लिखते हैं, और फिर उसके नीचे उसका जीनोटाइप लिख के हम लोग क्रॉस करा देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन मिले जिसमें सर एक तरफ में एक ही हो, जैसे जीनोटाइप यहाँ दो दो है, तो ठीक है, पहले वाले का क्रॉस हम पहले से, इस दूसरे का क्रॉस हम इस दूसरे से करा लिए। अगर सपोज मान लीजिए इधर में एक ही सिंगल रहता,
तो उस केस में हम लोग इसी को दो बार मान लेते, जैसे उसका क्वेश्चन फिर हम करा देते हैं ताकि उससे आप कहो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का एक मिलान जो है अपने से खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए हो, मदर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी इसका भी सॉल्यूशन करने का बस वही तरीका है। सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा सर, एक तरफ में फादर लिखेंगे और दूसरे तरफ में मदर लिखेंगे। फादर के नीचे फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया हुआ है, बोलिए, फादर के नीचे फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया, ए। मदर के नीचे क्वेश्चन अभी पूछेंगे हम फिर खड़ा करके, और लाइव में कैमरा घुमाएंगे उन्हीं के तरफ जो जिनको जिनसे सुनेंगे। इसलिए देखिए, इधर फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है, मदर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ज्ञात करें। बस तो ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट रुक जाइए, सभी लोग से सुनेंगे, कैमरा घुमा देंगे उन्हीं की तरफ ताकि लाइव में सब लोग देखेगा बेइज्जती होते हुए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए, तो फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है, मदर का ए बी है, तो अब इसके नीचे इसका जीनोटाइप बस लिख देंगे। ए का जीनोटाइप क्या होता है, आइए आइए और आइए आई नॉट। ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो आइए और आई बी। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे तो दो है सर, पहले वाले के साथ, अब फिर इस दूसरे वाले का अब कोई दूसरा है ही नहीं, तो जब यहाँ दूसरा नहीं है तो इसी को एक बार और दूसरा मान लेना है, मैंने उसी को एक बार और दूसरा मान लेना है, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है, तो क्रॉस हम सर पहले वाले का क्रॉस अब इस पहले वाले के साथ, फिर इस दूसरे वाले का क्रॉस इस दूसरे वाले के साथ करा देंगे। आया समझ में? अच्छा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आइए आइए का क्रॉस आइए आई बी के साथ, और दूसरा फिर आइए आई नॉट का क्रॉस फिर इसी के साथ, यानी आइए आई बी के साथ, क्योंकि एक ही दिया हुआ है तो उसी को दो बार मानकर क्रॉस करते हैं। समझ में आया? अच्छा, पहले वाले के साथ फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ। अच्छा, इस तरह से क्रॉस इसका सजाते हैं। फिर इस साइड में कैसे करिएगा, पहले वाले का पहले वाले के साथ फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का पहले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे के साथ। यहाँ क्या होगा, ऊपर से सर आइए आएगा, इस साइड से क्या आएगा, आइए आएगा, आइए आइए, ऊपर से फिर आइए, और इस साइड से क्या आएगा, आई बी। अच्छा, इधर से भी आइए और ऊपर से भी आइए। अच्छा, इस साइड से फिर क्या होगा, आइए और आइए, इस साइड से भी क्या होगा, आइए आई बी, इधर से आइए और ऊपर से आई बी। यानी अभी तक क्या पता चला, इससे क्या क्या ब्लड ग्रुप आएगा, यानी ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, फिर से ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। अभी तक ये ज्ञात हुआ है, यानी कि ए और ए बी, ये दो तरह का ब्लड ग्रुप बच्चे का यहाँ से पता चला। दूसरा क्रॉस अभी हमारा बाकी है, ऊपर से आएगा क्या, आइए, और इस साइड से क्या आएगा, आइए, यानी ए ब्लड ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। अच्छा, इस साइड से आइए यहाँ होगा, आइए, और इस साइड से आई बी, यानी ए बी, आइए आई बी हो गया। अच्छा, यहाँ होगा आइए और आई नॉट, आइए आई नॉट, यानी ए बी ब्लड, सॉरी ए ब्लड ग्रुप, आइए आई नॉट रहेगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप, और फिर हो जाएगा आई बी आई नॉट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी ब्लड ग्रुप, इसे क्या आएगा, बी ब्लड ग्रुप। अच्छा, इसका मतलब कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, नहीं तो ए बी होगा और बी होगा, ए बी और ए बी। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा जी, सर इस बच्चे का ब्लड ग्रुप यानी कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए होगा, नहीं तो बी होगा और नहीं तो ए बी होगा। मतलब इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, याद रखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप जो है इस बच्चे का नहीं आता है। यानी कि जिस पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और उस माता और उसके और माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता है। अच्छा,
अब ये बात अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो क्या उनके बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ होगा? तो इसके लिए आप पूरा क्रॉस करिएगा तब पता चलेगा। नहीं, पूरा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। उसमें कहाँ से देखना है आपको? तो सर अगर फादर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है तो इसमें तो एगो आई नॉट जीन होता है, आईए और आई नॉट होता है ना। चूंकि ओ ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, क्या उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ तभी होगा यदि उसके माता का ब्लड ग्रुप में एगो आई नॉट हो और पिता के ब्लड ग्रुप में एगो आई नॉट हो, आई नॉट वाला जीन हो टाइप होना चाहिए। तो ए ब्लड ग्रुप में तो आई नॉट होता है, कौन सा आइए आई नॉट होता है ना, जी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में तो आई नॉट होता ही नहीं है। देखिए ना, ए बी ब्लड ग्रुप में आई ए और आई बी होता है, कहीं आई नॉट है इसमें? तो आई नॉट और आई नॉट मिलेगा तब ना ओ बनेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए माता में एक आई नॉट होना चाहिए और पिता में भी एक आई नॉट होना चाहिए, कम से कम एक एक आई नॉट होना चाहिए, तब जाके ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है थोड़ा इससे अलग, कुछ आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, मदर का ब्लड ग्रुप भी ए हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? दूसरा नंबर है, फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए हो, मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है, फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो, मदर का ब्लड ग्रुप भी ए बी हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? चौथे नंबर में, फादर का ब्लड ग्रुप अगर बी हो, मदर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए हो, मदर का अगर ओ हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसके बाद फादर का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो, मदर का भी ओ हो, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अच्छा, अब देखिए एक चीज समझेंगे, जरा ध्यान से एक मिनट सुनिए। ये सब आपका होमवर्क है जिसको आपको सॉल्व करके आना है। एक चीज अब इसमें समझेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, बच्चा का ब्लड ग्रुप अगर बी हो, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ज़्यादातर क्रम में बच्चे क्या करते हैं, फादर का ब्लड ग्रुप और बच्चे के ब्लड ग्रुप के बीच क्रॉस करा देते हैं, माता का ब्लड ग्रुप निकाल लेते हैं। तो कभी भी फादर और बच्चे के बीच क्रॉस से माता उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो ये क्रॉस संभव नहीं। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे बनाना है, फादर का बच्चे के बीच क्रॉस नहीं कराना है, यहाँ बच्चा का ब्लड ग्रुप दिया है, बस सिर्फ आपको देखना है कि बच्चा का बी ब्लड ग्रुप आना चाहिए। तो फादर का दिया है लेकिन मदर का नहीं दिया है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कैसे बनाइएगा, माना कि मदर का ब्लड ग्रुप ए, पहले लिखेंगे लेट, यानी माना कि मदर का ब्लड ग्रुप पहले ए मानना है। ए मानकर देखिए, अब फादर के ए ब्लड ग्रुप से और मदर के ए ब्लड ग्रुप का जब क्रॉस होगा तो क्या बच्चा का ब्लड ग्रुप बी आएगा? नहीं आता है कभी भी। काहे काहे कि ए ब्लड ग्रुप में कहीं आई बी है ही नहीं, और बी ब्लड ग्रुप आने के लिए कम से कम एगो आई बी और एगो आई बी, दोनों में आई बी होना चाहिए, नहीं तो एक में कम से कम आई बी और एगो में आई नॉट होना चाहिए, तब ये बी ब्लड ग्रुप आएगा। बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप यही ना होता है, आई बी के मिलने से बी बनता है, नहीं तो आई बी और आई नॉट के मिलने से बी बनता है। ये तो बात पता है आप लोग को। तो अगर मान लीजिए कि फादर का भी ए हो, मदर का भी ए हो, तो बच्चा कभी भी उनका बी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ठीक है, यानी कि बी नहीं होगा, ठीक है सर, तो बी मान के देखा जाए एक बार, तो लेट बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो, ऐसे ही आपको क्रॉस करा करा के देखना है। ये हम शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे ऊपर ये सब क्रॉस करा रहे हैं वैसे ही क्रॉस कराइएगा, एक तरफ में फादर दूसरे तरफ में मदर लिखिएगा। केस वन यानी पहला अवस्था में माना कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, तब उसके बाद ए रख के क्रॉस करा के देखिए पूरा, फिर उसके बाद बी नहीं आया, मैंने बी बच्चे का बी ब्लड ग्रुप नहीं आया, तो लिख दीजिए कि ए ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, अतः ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर मदर का ब्लड ग्रुप बी मानिए, तो बी में तो
ए में होता है, ए का जीनोटाइप तो आपको पता है क्या होता है जी, ए का जीनोटाइप सर आइए आइए और नहीं तो आइए आई नॉट होता है। अच्छा बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप अगर बी रखते हैं तो बी का जीनोटाइप आपको पता है क्या होगा, आई बी और नहीं तो आई बी आई नॉट। अच्छा ये आई नॉट और ये आई बी मिलकर आई बी आई नॉट से बी नहीं बन जाएगा, बस समझ में आया। तो इस तरह से यानी कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए हो या माता का बी हो तो बच्चा का बी हो सकता है। अच्छा यानी कि बी हो जाएगा, बात समझ में आया, यानी बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अब हम लोग बी न मानकर अब हम लोग क्या मानते हैं, अब ए बी मानते हैं, क्या ए बी से हो जाएगा, हो जाएगा। काय होगा काय कि ए बी में भी तो आई बी इसका भी जीनोटाइप होता है आई ए और आई बी, तो ये आई बी इस आई नॉट के साथ मिलकर बी नहीं बन जाएगा, आई बी आई नॉट मिलकर फिर बी बन जाएगा जब क्रॉस कराइएगा तो इसका मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा। अब देखिए ओ ब्लड ग्रुप, क्या ओ ब्लड ग्रुप अगर रखेंगे तो होगा, ओ ब्लड ग्रुप अगर रखेंगे तो सर इसमें आई नॉट है तो आई नॉट का क्रॉस इसमें से किसी के साथ भी, इसमें एगो आई बी रहता तब आई नॉट आई बी के साथ मिलकर बी बनता, लेकिन आई नॉट वाला कभी भी इसके साथ मिलकर बी नहीं बनेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओ ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा। तो कन्फर्म ये हुआ कि इस माता का ब्लड ग्रुप ए बी, बी नहीं तो ए बी होगा, बस समझ में आया। तो इस तरह से माता के संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, मतलब माता का रक्त समूह क्या हो सकता है यदि उसके पिता का ए हो और बच्चा का बी हो, तो या तो बी हो सकता है नहीं तो ए बी हो सकता है, बस समझ में आया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बन जाएगा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर होगा तो, खास करके ये सब क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, पूछता है नाक के बराबर आता है। अच्छा आप देखिए अब आप लोग से जीनोटाइप पूछा जाता है, नीट का इस बार का 2024 का एक क्वेश्चन है, नीट 2024 का एक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए हो मदर का ब्लड ग्रुप बी हो और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो तो आप ये तीनों का जीनोटाइप लिखें। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि फादर का ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए हो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो जी, फादर का ब्लड ग्रुप ए हो मदर का ब्लड ग्रुप बी हो और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो तो इन तीनों का जीनोटाइप आपको लिखना है। तो जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, जीनोटाइप क्या होगा, पहले फादर का जीनोटाइप, फिर उसके बाद मदर का जीनोटाइप, फिर उसके बाद बच्चे का जीनोटाइप। अच्छा आप देखिए फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है जी, ए है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है और उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है। तो अब इन तीनों के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आपको लिखना है, कैसे लिखिएगा, तो सर ए का जीनोटाइप तो हम लोग को पता है आइए आइए और नहीं तो आइए आई नॉट होता है ना जी, आइए आइए और नहीं तो आइए आई नॉट होता है। अच्छा बी का जीनोटाइप सर आई बी और नहीं तो आई बी आई नॉट होता है, ये तो पता है आई बी नहीं तो आई बी आई नॉट होता है। और ओ का जीनोटाइप जो है ये सर आई नॉट और आई नॉट होता है। अच्छा एक बात होती है, बस ऐसे लिख देंगे तो सही हो गया, नहीं गलत हुआ, मैंने आप इसमें से सब ये सब लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन ऐसे थोड़े पूछेगा, क्वेश्चन वहाँ अगर मान लीजिए कि यही पूछता कि आप इसका जीनोटाइप लिख दीजिए तब तो फिर क्वेश्चन ही नहीं देता क्योंकि सब बच्चा लिख देगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फादर का जीनोटाइप ए वाला का दुगो है लेकिन इसमें से कौन जीनोटाइप होगा जिसके कारण बच्चा ओ आएगा और मदर का कौन सा जीनोटाइप होगा जिसके कारण बच्चा ओ आएगा। तो याद रखेंगे, आपको तो बताए हैं हम पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि जीनोटाइप ज्ञात करिए तो सबसे पहले आप देखिएगा कि बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ओ ब्लड ग्रुप बच्चे का तभी आ सकता है जब पिता में कम से कम एगो आई नॉट हो और माता में भी एगो आई नॉट हो, तब ये आई नॉट और आई नॉट आपस में मिलकर क्या बनाएगा,
ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। बात समझ में आया? यानी ओ ब्लड ग्रुप कभी भी ऐसे नहीं आ सकता है जब तक कि पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए और माता पिता के ब्लड ग्रुप में एक वाई नॉट और माता के ब्लड ग्रुप में भी एक आई नॉट न हो। आई नॉट रहेगा तभी जाकर ओ बनेगा। अब इसके लिए ये कौन सा जीनोटाइप इसमें होगा तो याद रखेंगे ये वाला जीनोटाइप नहीं होगा। यहाँ एक आई नॉट है और यहाँ आई नॉट है, ये आई नॉट और आई नॉट मिलकर बच्चा का ब्लड ग्रुप आई नॉट बन जाएगा जिसके कारण ओ आएगा और बी ब्लड ग्रुप का भी आई बी नहीं होगा। अब समझ में आ गया? यानी अब इसके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आप इसको अब मिटा देंगे, ये जो है ये नहीं होगा, ये जो है ये नहीं होगा। बस समझ में आया? ये जो जीनोटाइप आप लिखे हैं ये जीनोटाइप नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जीनोटाइप सिर्फ आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट और आई नॉट होगा। ओ का तो खैर एक एक होता है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, आई नॉट होगा। लेकिन ये पिता का दो गो जीनोटाइप होता है, माता का भी दो गो जीनोटाइप होता है, दोनों में से आपको एगो बताना है। ये नीट का 2024 का क्वेश्चन है, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अब ये हो गया जैसे कि ब्लड ग्रुप के बारे में। चलिए अच्छा, तो इस तरह से अब ये हम क्या बता रहे थे, क्वेश्चन इस तरह का कोई भी अगर पूछेगा तो बन जाएगा। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे, अगला टॉपिक पे आए। एक है, अब हम लोग को देखना है कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब ये ब्लड ग्रुप जैसे किसको डोनेट करेगा, ये ब्लड ग्रुप यानी ये रक्त समूह किसको रक्त देता है, तो सर ये ब्लड ग्रुप जो है ना ए को देगा और नहीं तो उसको देगा जिसका ये दोस्त है। तो ए बी का दोस्त है ना जी, यानी ए बी में एगो ए है तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप ए को भी देता है ब्लड और ए बी को भी ब्लड देता है। अच्छा, डोनेट मतलब होता है दाता, यानी देता है, देने वाला, ठीक है। अच्छा, बी ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, बी ब्लड ग्रुप फिर किसको ब्लड देता है, बी ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट करता है यानी किसको देता है, तो सर ये बी को देगा और नहीं तो ए बी को देगा, क्योंकि ए बी में भी तो एक बी है ना, तो ए बी को दे देगा। लेकिन ए बी से लेगा नहीं, ए बी से क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बी इसमें बी है तो ठीक है बी ले सकता है, लेकिन ए वाला कैसे लेगा। तो इसलिए ए तो उसका दुश्मन है बी का, तो इसलिए बात याद रखेंगे बी जो है बी को ब्लड देगा नहीं तो ए बी को देगा, लेकिन लेना होगा तो बी ए बी से नहीं ले सकता है, ठीक है, खाली दे सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ए बी फिर ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए को ब्लड देगा नहीं सर, ए को कैसे देगा, इसमें ए बी है दोनों साथ में देना होगा, ठीक है। तो ये ए बी जो है खाली ए बी को ब्लड देगा, ठीक है। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप किसको ब्लड देगा, तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। अच्छा, इस तरह से ये पता चला, इस तरह से ये कन्फर्म हुआ कि इससे ये निष्कर्ष निकला है ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला गया, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है जी, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, यानी ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है, डोनेट करने वाला यानी सर्वदाता, सबको दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप यानी ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है, ठीक है। ओ रक्त समूह क्या होता है, तो ओ रक्त समूह सर्वदाता हो जाएगा, आए समझ में इस तरह से। तो ये डोनेट करने वाला हो गया। अब देखना है हम लोगों की कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन किससे ब्लड लेगा, तो आइए नेक्स्ट फॉर्मेट में इसको देखते हैं। अब हम लोग सेम वैसे ही दूसरा नंबर पे क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप, अब ये एरो उल्टा होगा, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, कौन किससे ब्लड लेगा, तो ए ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, यानी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करेगा, किससे रक्त लेगा, तो ए
ए से लेगा और ओ से लेगा, बी जो है ए से लेगा, सॉरी बी जो है ये बी से ब्लड लेगा, नहीं तो ओ तो सबको देता ही है तो ओ से ब्लड ले लेगा। अच्छा ए बी जो है इसमें ए है तो ए से भी ले लेगा, ए बी जो है ये बी है इसमें तो बी से भी ले लेगा, ए बी जो है ये ए बी से तो लेगा ही और ओ से भी ले लेगा, और ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सिर्फ ओ से लेगा। ये किससे लेगा जी ओ ब्लड ग्रुप, तो सिर्फ ओ से लेगा। तो एक ये टेबल हो गया यहाँ, बस समझ में आया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यही निष्कर्ष निकला है कि ए ब्लड यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, नहीं नहीं सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए क्या बोला गया, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है यानी सबसे ब्लड ले सकता है, ये बात याद रखेंगे। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, हो जाएगा। चलिए बहुत लोग को जाना भी है ना, 6 बजे ट्रेन छूट रहा है। चलिए चलिए तब यहाँ तक इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।